हेलो दोस्तों, मैं वीके पोर्सवाल, एग्रोनॉमिस्ट, किसान एग्रीटेक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं समय समय पर कृषि संबंधित कुछ वीडियो बनाता रहता हूं, जिसमें कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है। और आज इसी क्रम में मैंने एक विषय लिया है कि तिलहन फसलों में गंधक का क्या रोल है, सल्फर का क्या रोल है। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं और मैं विस्तार से आपको बताता हूं कि तिलहन फसलों में गंधक का क्या महत्व है। अब प्रश्न आता है कि सल्फर का कार्य क्या है, तिलहन फसलों में क्या कार्य करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सल्फर जो है, ये अमीनो एसिड्स जो हैं, जो सल्फर जो अमीनो एसिड्स हैं, जैसे सिस्टाइन है, सिस्टीन है, एमोन मीथियोनिन है, इनका एक घटक है ये, इनका तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनका एक भाग है ये सल्फर, इसकी प्रेजेंस होती है इसमें, तो ये अमीनो एसिड्स को बनाने में मदद करता है। कार्बनिक पदार्थों की संरचना में सहायक है। जो कार्बनिक पदार्थ हैं पौधे के अंदर या तेल के अंदर, उनको बनाने में सल्फर का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 3, जड़ों की वृद्धि एवं तेल का प्रतिशत मात्रा बढ़ाता है। जब जड़ों की वृद्धि होती है, ग्रोथ, रूट ग्रोथ होती है, तो पौधे ज़्यादा भोजन लेते हैं। जब भोजन ज़्यादा लेंगे तो वृद्धि भी ज़्यादा होगी और फल फूल भी ज़्यादा आएंगे, इससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी। तिलहन फसलों के तेल में या तिलहन फसलों के पौधों में जो सुगंध आती है, जो अरोमा है, वो इसी सल्फर की प्रेजेंस के कारण होता है, इसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो कि ये सल्फर से बने पदार्थ होते हैं, ग्लूकोसाइड और ग्लूकोसाइनेट, इनके कारण ही इन तेलों में ये सुगंध आती है, या जो भी गंध इस प्रकार की स्मेल है, अरोमा है, वो इसी सल्फर की उपस्थिति में होता है। 5वां जो पॉइंट है, सल्फर फसलों में ठंड के प्रतिकूल प्रभाव से होने वाली हानि को कम करता है। ये कोल्ड टॉलरेंस पौधों में बनाता है, कोल्ड रेसिस्टेंस करता है। सल्फर जो है सूखा से सहन करने की क्षमता बढ़ाता है, ड्रॉट टॉलरेंस पौधों के अंदर, जिससे कि इनकी सहन शक्ति बढ़ती है सूखा सहन करने की, और एक संतोषजनक पैदावार किसान को मिल जाती है। अब ये इसका रोल हो गया सल्फर का। अब किसान भाई कैसे जानेंगे कि हमारी फसल में सल्फर की कमी है? तो इसको कुछ लक्षण हैं जिसके आधार पर किसान अपनी फसल में पहचान सकते हैं कि इसमें सल्फर की कमी है, उसके आधार पर सल्फर की पूर्ति की जा सकती है और अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। तो पहला लक्षण है कि जो नई पत्तियाँ आती हैं वो पीली पड़ती रहती हैं, जो भी नई पत्तियाँ आती हैं वो पीली पड़ जाती हैं और पौधे में नीचे की पत्तियां हरी बनी रहती हैं, तो ये पहला लक्षण है इसका। नंबर 2 लक्षण, पौधों की ग्रोथ चेक हो जाती है, जो फसल है वहीं की वहीं रुक जाती है, बहुत धीरे धीरे वृद्धि करती है, तो ये ग्रोथ चेक होने लगती है, सल्फर की कमी है। नंबर 3 लक्षण, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की कमी के लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं, जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं और किसान भाई उसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देते रहते हैं, सोचते हैं कि नाइट्रोजन डालने से वृद्धि हो जाएगी, उसके बावजूद भी वो फसल ऐसी की ऐसी बनी रहती है और उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो किसी भी निष्कर्ष पर जाने से पहले या कोई ट्रीटमेंट करने से पहले लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन और सल्फर के लक्षण हैं क्लियर कट समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नाइट्रोजन के क्या लक्षण हैं और सल्फर के क्या हैं। यदि नाइट्रोजन की कमी है फसल में, तो पुरानी पत्तियाँ पहले पीली पड़ती हैं और नई पत्तियाँ बाद में पीली पड़ती हैं। लेकिन यदि सल्फर की कमी है, तो नई पत्तियाँ पहले पीली पड़ती हैं और पुरानी पत्तियाँ बाद में। तो ये डिफरेंस है जिसके आधार पर किसान भाई पहचान सकते हैं कि सल्फर की कमी है। और
एंड में क्या होता है कि पूरा पौधा ही सूखने लगता है। तो ये एक सल्फर का मुख्य लक्षण है। कुछ विभिन्न फसलें हमने ली हैं जिनके जिनमें इसके सल्फर के लक्षण देखे गए हैं, सल्फर की कमी के लक्षण, और उनको हमने नोटिस किया है। उसके आधार पर सबसे पहले मूंगफली की फसल। मूंगफली की फसल में क्या होता है, इसमें तीन लक्षण होते हैं। नंबर एक, नए पौधे टीले में सीधे खड़े रहते हैं और इनकी पत्तियां वी के आकार की हो जाती हैं। ये मुख्य लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है, नए पत्तों में जो मुख्य सिरा होती है, वेन, मेन जो होती है वेन, उसके आसपास जो पत्तियां हैं, सिराएं पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पूरा पत्ता ही पीला हो जाता है, पीलापन आ जाता है। नंबर तीन, पौधों में फलियों और गांठों कम बनती हैं जिससे कि पैदावार कम होती है, और एक इसमें फसल देर से पकती है। फिर अलसी, दूसरी फसल अलसी है, इसमें भी तीन लक्षण है। इसमें नए पत्तों की ऊपरी हिस्सा पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे पुराने पूरे पत्ते पर फैल जाता है पीलापन। तना पतला होता है और शाखाएं बहुत कम निकलती हैं। और नंबर तीसरा जो लक्षण है, फूल वाली कलियां बहुत कम निकलती हैं और खिलने से पहले गिर जाती हैं। ये तीसरा लक्षण है। तीसरी जो क्रॉप ली है हमने वो सरसों है, मस्टर्ड। मस्टर्ड फैमिली में चार पांच क्रॉप आती हैं, जो भी तारामीरा है, राई है, तोरिया है, लाही है, सरसों है, ये सब काली सरसों, पीली सरसों, ये सब मस्टर्ड फैमिली है। इसमें एक ही प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे कि इसमें पत्ते मुड़ जाते हैं। सल्फर की यदि कमी है तो पत्ते मुड़ जाते हैं, पत्तों तथा तने का निचला हिस्सा लाल होने लगता है। ये मुख्य लक्षण है इसका। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि सल्फर की कमी है। दूसरा लक्षण है सरसों में, फूल समय से पहले गिर जाते हैं और फलियों की पैदावार भी कम हो जाती है। जब फूल गिर जाएंगे तो फलियां बनेंगी नहीं, फलियां बहुत कम बनेंगी, और जब फली नहीं बनेंगी तो पैदावार कम आएगी। तीसरा मुख्य लक्षण है, दानों में तेल की मात्रा कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है, जिससे कि पैदावार कम हो जाती है। चौथी फसल है अरंडी, कैस्टर। इसमें भी तीन मुख्य लक्षण देखे गए हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्ते छोटे तथा पीले या सुनहरे रंग के होने लगते हैं तो सल्फर की कमी है। फूल में पत्तियां कम पैदा होती हैं, ये भी एक लक्षण है। पांचवी जो फसल ली है, सूरजमुखी है। पत्ते और फूल पीले हो जाते हैं, पौधे छोटे रह जाते हैं, जिनमें सामान्य पौधों की अपेक्षा कम पत्ते निकलते हैं, कम शाखाएं निकलती हैं, फूल भी कम रह जाते हैं। नंबर तीन, पत्तों की संख्या व आकार कम रहता है, छोटा हो जाता है आकार, पत्तों की संख्या भी कम होती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भाई सल्फर की कमी के कारण क्या है, सल्फर की कमी कैसे आती है फसलों में, क्योंकि नेचुरल में तो सल्फर जमीन के अंदर रहता है, लेकिन ये कमी कैसे आ जाती है ये हमें जानना है। इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, आइए मैं आपको डिस्कस करता हूँ, इसको डिटेल में बताता हूँ। कि एक तो रेतीली मिट्टी, जहाँ पर रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, वहाँ पर सल्फर की कमी पाई जाती है। जैविक पदार्थों की कमी, सपोज हम फसल तो ले रहे हैं, बहुत सघन फसल चक्र हमने अपना रखा है, लेकिन उसमें हम जैविक खादें नहीं डाल रहे हैं। जैविक खादें जैसे हरी खाद, ग्रीन मैन्योरिंग नहीं कर रहे, गोबर की खादें नहीं डाल रहे हैं, कंपोस्ट खाद नहीं डाल रहे हैं, या वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल रहे हैं, तो इन सब कारणों से सल्फर की कमी बन जाती है। सघन फसल एवं सघन फसल चक्र, दो बातें हैं, सघन फसल और सघन फसल चक्र। सघन फसल का मतलब इंटेंसिटी ऑफ प्लांट्स, मोर इंटेंसिटी ऑफ प्लांट्स। यदि आपने बहुत नज़दीक पौधे खेत में या ज़्यादा बीज डाल दिया है और पौधों का जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा होने से भी सल्फर की कमी बन जाती है, पोषक तत्वों की कमी बन जाती है, तो इसको कहते हैं सघन फसल, इंटेंसिव क्रॉप। दूसरा है सघन फसल चक्र। यदि आप साल में बहुत ज़्यादा फसलें ले रहे हैं, खेत को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, उसको समय नहीं दे रहे हैं बिल्कुल कि वो अपना कुछ नाइट्रोजन कलेक्ट करें वातावरण से, या जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, जो फ़ायदेमंद हैं, लाभदायक हैं, उनको भी
कुछ रेस्ट या उनको भी अपना कार्य करने का समय मिलना चाहिए। तो एक के बाद एक हम तुरंत फसल करते चले जाते हैं, इस कारण से भी सल्फर की कमी बनती है। इसको कहते हैं क्रॉप इंटेंसिटी, मतलब कितने आपने कितनी फसल एक साल में ली है, इससे इंटेंसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। यदि आप कम फसल लेते हैं तो इंटेंसिटी कम होगी, अब ज़्यादा फसल ले रहे हैं फसल में 4 या 5 फसल तक ले रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गंधक रहित खादों का प्रयोग, किसान भाई ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीन खादें डालते हैं, जो सल्फर युक्त फर्टिलाइजर हैं उर्वरक हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण है कि सल्फर की कमी बनती है। तिलहन फसलों की लगातार पैदावार, तिलहन फसलों की लगातार पैदावार लेने से भी सल्फर लगातार ज़मीन से लिफ्ट होता रहता है और उस सल्फर की कमी रह जाती है, कमी हो जाती है धीरे धीरे। तो यदि हम लगातार तिलहन एक ही खेत में तिलहन की फसल उगाते चले आ रहे हैं तो वहाँ सल्फर की मात्रा कम हो जाती है। कीटनाशक फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग न होना, कुछ कीटनाशक और फफूंदी नाशक ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर मौजूद होता है, यदि इनका भी प्रयोग समय समय पर होता रहे तो कुछ मात्रा में सल्फर ज़मीन को मिल जाता है जो फसलों के काम आता है। सल्फर की तीनों फसलों में पूर्ति कैसे करें, अब प्रश्न ये आता है कि भाई ये कमी भी देख ली, लक्षण भी देख लिए हमने और कारण भी जान लिया कि क्यों सल्फर की कमी बनती है, अब बात आती है कि इसकी पूर्ति कैसे की जाए। फसलों में इसकी पूर्ति करने के जो मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य तरीके हैं, वो ये हैं। एक तो सल्फर युक्त उर्वरकों का चुनाव करें। सल्फर युक्त उर्वरक कौन से हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पाइराइट और एलिमेट सल्फर। ये जिन खादों के साथ सल्फेट लगा है इनके अंदर सल्फर है, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट है, एमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पाइराइट के अंदर भी है और एलिमेटल सल्फर जो आता है उसके अंदर भी है। और यदि SSP है, सिंगल सुपरफॉस्फेट है, तो इसके अंदर भी सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो ये कुछ उपाय हैं। अब एक तरीका है कि अब सल्फर की पूर्ति कैसे की जाए, डायरेक्ट सल्फर कैसे दें। तो जो बाज़ार में मार्केट में उपलब्ध है सल्फर 90 DP, जो कि सॉइल एप्लीकेबल है, भूमि में डाला जाता है बुआई के समय या बुआई से पहले खेत में बखेर लें, और ये बेसल डोज है, तो इसके द्वारा भी सल्फर की पूर्ति हो जाती है। 1 एकड़ क्षेत्रफल में 10 किलोग्राम सल्फर पर्याप्त होता है। एक सल्फर और आता है जो किसान भाई बुआई के समय में नहीं डाल पाए हैं और खड़ी फसल में वो डालना चाहते हैं, तो उसके लिए सल्फर 80 WDG, एक सल्फर ये आता है जो कि पानी में घुलनशील है, इसका घोल बन जाता है और इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। फॉलियर एप्लीकेशन है, इसको आप पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं 200 लीटर पानी मिलाकर। इसकी 1 किलोग्राम की मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। यदि आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं 10 kg पर एकड़ जिंक सल्फेट, तो किसी हद तक इसमें जिंक भी मिल जाएगा और सल्फर भी मिल जाएगा, तो इसके द्वारा भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा है 10 किलो प्रति एकड़। यदि आप सिंगल सुपरफॉस्फेट की खाद डालते हैं SSP, इसे डालने से भी सल्फर फसलों को मिलता है और ये 100 किलोग्राम सल्फर 1 एकड़ के लिए डालना चाहिए कम से कम। और जैसा मैंने पहले बताया था, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पाइराइट, ये सब कुछ खादें हैं जिनके द्वारा सल्फर ज़मीन में पहुंचता है और पौधों को मिलता है। एक महत्वपूर्ण डेटा हमारे पास है जो वैज्ञानिकों द्वारा हमने कलेक्ट किया है वैज्ञानिकों से, कि विश्व में एक स्टडी की गई है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो एडवांस एग्रीकल्चर कंट्री हैं वहाँ पर देखा गया है कि 1 टन फसल उत्पादन लेने के लिए कितनी सल्फर की मात्रा ज़मीन से शोषित होती है, लिफ्ट होती है, उसका एक अध्ययन किया गया है, स्टडी है
तो उसका डेटा हमारे पास है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे सीरियल क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप्स का मतलब गेहूं, धान, आपका बाजरा, सरसों, जो भी है, बाजरा हुआ, और ये आपका मटर है, तिलहन फसलें, दलहन फसलें, तो इस तरह की जो फसलें हैं इनको सीरियल क्रॉप कहते हैं। तो यदि आप ये एक टन फसल उगा रहे हैं तो एक टन फसल उगाने के लिए 1 से 6 किलोग्राम सल्फर जमीन से लिफ्ट हो जाता है, शोषित होता है, जिसका एवरेज है तो 3 से 4 किलो प्रति एकड़ आता है। दूसरा दालें पल्सेस 10 से 13 किलोग्राम, एवरेज 8 किलोग्राम आता है। इसी प्रकार तिलहन फसलें, तिलहन फसलों में मस्टर्ड फैमिली है, सरसों, तारामीरा, तोरिया, एवरेज आता है 17.6 के जी। सबसे ज़्यादा सल्फर तिलहन फसलें लेती हैं ज़मीन से, ये तो मस्टर्ड फैमिली की बात है, जो मस्टर्ड फैमिली सबसे ज़्यादा लेती है, और जो अन्य तिलहन फसलें हैं वो 9.1 kg सल्फर शोषित करती हैं, मिट्टी से लिफ्ट होता है सल्फर। ये एक टन कोई भी मात्रा है, एक टन पैदा करने के लिए 1 टन सीड्स। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी उसमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि आप आगे मेरे वीडियो देखना चाहते हैं इसी प्रकार के विभिन्न फसलों से संबंधित या विभिन्न कृषि समस्याओं से संबंधित, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी जानकारी के साथ एक वीडियो आगे भी डालता रहूं। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपके साथ आपको विभिन्न प्रकार के विभिन्न जानकारियों से संबंधित वीडियो डालता रहूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।